तो हे गाइस, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये एक ज़ीरो किल चैलेंज होने वाला है और जिसमें मुझे ज़ीरो किल के साथ एक मैच जीतना ही होगा, क्विक मैच। तो अभी इसमें हम खेलेंगे क्विक मैच एशिया सर्वर में और तीन अटेम्प्ट में एक मुझे जीतना ही होगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैच हमारा आया ऑल वेपन, वो भी जॉर्जो सिटी पर। तो जॉर्जो सिटी पर बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, इसीलिए मैंने भी एक अपार्टमेंट चूज़ किया, मगर उसके सामने ही और एक बंदा कूद गया। तो मैंने सोचा कि लोकेशन चेंज ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये बंदा मेरे ऊपर रस कर देगा तो मैं इसको किल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ ज़ीरो किल चैलेंज। इसीलिए मैंने यहाँ से जितनी जल्दी सामान उठाने का कोशिश की उठा लिया, और ख़ास करके मुझे कोई गन तो नहीं चाहिए, सिर्फ अगर गन पिक हो रहा है तो मैं क्या कर सब अभी ड्रॉप करूँगा, फिर से गन उठ जाएगा। इसलिए भाई गन उठ रहे हैं ना, तो उठने दो। अब आती है हीलिंग की बारी। तो मैंने हीलिंग बहुत सारी उठा ली थी, बहुत सारी बोले तो बहुत सारी नहीं, कम से कम हीलिंग जितना लगना चाहिए मैंने उतना तो उठा लिया, और बैंडेजेस भी ले लिए थे भाई। हीलिंग तो मैंने उठा लिया बहुत सारा, मगर मुझे फुटस्टेप आ रहे थे, तो ये बंदा ऊपर आ रहा, तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ से जंप करके यहाँ पर ही कैंपिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्राउच किया, पहले देख रहा था बंदा आ रहा है कि नहीं, उसके बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ कर मगर मैं प्रोन हो जाऊँ तो इसको नहीं दिखेगा, क्योंकि सामने तो ऐसे नहीं दिखता, ऐसे भी नहीं दिखता साइड में अगर खड़े हो जाए, मगर क्राउच करने से ज़्यादा प्रोन होना ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रोन हो गया। और उसके बाद मुझे जो पता चला भाई, कतई गंदा भाई, ये एक बॉट था। तो बॉट को मैंने सोचा कि मारूँ यार, उसके बाद मुझे याद आया कि ये तो ज़ीरो किल चैलेंज है, तो मैं इसको मार भी नहीं सकता। तो मैंने वेट किया कब तक ये बॉट भागता है, वरना अगर ये बॉट मुझे मारना स्टार्ट कर दे तो भाई मैं इसको मार नहीं पाऊँगा, ये मुझे धप 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 करके करके मार ही देगा एक टाइम अगर, तो मुझे भागना पड़ता, इससे अच्छा मैं यहाँ पर प्रो नहीं हो जाऊँ। मगर जोन मुझे थोड़ा दूर था, तो मैंने सोचा कि ये बॉट को जाना था, उसके बाद मैं भी जोन में भागूंगा। तो ये बॉट जोन भाग गया था और मुझे भी अभी जोन भागना था, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी भागते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, मगर हम जोन जल्दी भागेंगे जोन की तरफ। और भाई यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो कट कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा सीन मैं ऊपर से जंप कर दिया, और ये देखो पीछे से पड़ा, और मुझे लगा एक बंदा घर के अंदर है, मगर कतई गंदा वाला सीन हो गया मेरे साथ। तो ये मैच था आइटम हेवन का और एरिया था स्कूल का। तो मैंने स्कूल अपार्टमेंट ही चूज़ किया, क्योंकि भाई स्कूल में से अपार्टमेंट लेना सही होगा शायद। तो मैंने पिछले वाले मैच की तरफ भी इस मैच में भी हीलिंग उठा लिया बहुत सारा। उसके बाद मैं गया छत पर, और भाई इस वाले मैच में भी सेम सीन हो रहा था कि बंदे ऊपर आ रहे थे मुझे मारने के लिए, मगर मैं उनको नहीं मार सकता, इसीलिए मुझे भी भागना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सामने वाला जो अपार्टमेंट है उसके छत पर चढ़ जाते हैं, वहाँ पर तो ऐसे भी कोई नहीं आता। और फिर मैंने मैप देखा, तो मैप में दिखा रहा था कि भाई इस साइड को जोन नहीं है, तुम दूसरी साइड भाग। तो मैंने भी दूसरी साइड भागना स्टार्ट कर दिया, मैंने सोचा कि अपार्टमेंट जाए, मगर उसके बाद मुझे लगा कि अपार्टमेंट बंद है, तो भाई जल्दी से यहाँ से कट लेते। तो मुझे ऐसे भी यहाँ पर और हीलिंग मिलने वाला तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने 25 बैंडेज तो उठा ही लिए थे। अब मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर तो सांप बनना ही चाहिए होगा, मगर देखा कि जोन वस्त्रब नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर जो तीन पेड़ है उसको, उसमें से मैंने एक पेड़ को चूज़ किया और उसके सामने ही प्रोन हो गया, मतलब उसके पीछे ही प्रोन हो गया, तो प्रोन नहीं हो रहा था फर्स्ट से। और मैंने सोचा कि यहाँ से ही देखते हैं कि पीछे, पहले तो मुझे चेक करना था कि पीछे बंदा है कि नहीं, फिर मुझे लगा कि पीछे तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से घूम के आया हूँ, मगर मैंने उस सीन कट कर दिया। तो अब बारी है मेरे ड्रेस की। तो भाई मेरे ड्रेस बहुत अच्छे से दिख रहा था, पर बैक का स्किन भी भाई क्या गंदा वाला है यार, पूरा दिख रहा है। तो मैंने ड्रेस उतार दिया और बैग, तो भाई मैंने सोचा कि उतारो, मगर बैग नहीं उतारा, क्योंकि मुझे ये हीलिंग रखने के लिए थोड़ा तो जगह चाहिए, और बैग के बिना ये हीलिंग मैं नहीं रख सकता। तो सामने एक बंदा दिख रहा था, और वही इकलौता लास्ट बंदा था भाई इस इतने छोटे जोन में। तो मैं यहाँ पर क्राउच करके जोन की तरफ भागा, और मुझे लगा कि इसने मुझे देख लिया, इसलिए मैंने यहाँ प्रोन भी हो गया उनके थोड़े से पहले। और भाई जोन तो मेरे साथ था, थोड़ा जो था भाई मैं बोलूँगा। तो अभी मैंने यहाँ पर हीलिंग लगाई, मुझे लगा कि इसने मुझे देख लिया, मगर उसके बाद पता चला नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। तो फिर से ये घूम घूम के आ रहा था, मुझे लगा कि अब तो ये मरने आएगा, फिर भी वो मुझे नहीं देख पाया। मगर ये जो लास्ट सीन था भाई, ये लो
खत्म। No, God, please, no! ये तो मेरे साथ बहुत खराब हुआ। और एक बार फिर हमारा मैच आया आइटम हेवन का, मगर इस बार था पोचिंगी का मैप। तो पोचिंगी में हम जो मेन बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पर तो नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर तो भाई फाइट लग ही रहेंगी। तो यहाँ पर भी मैंने सेम ही टेक्निक यूज़ किया कि भाई झट से हीलिंग उठाकर एकदम सामने जाकर सांप बन जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे तो ज़्यादा हीलिंग नहीं मिली, एक ड्रिंक मिला और यहाँ से बैकपैक मिला एक, और यहाँ से एक पैन मिला बस। अभी अंदर से मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं मिला, मगर ये गन्स तो मिले। तो अभी आ गया मैं नीचे, तो नीचे दो ड्रिंक्स मिले मगर अभी तक मुझे बैंडेजेस नहीं मिले। तो यहाँ पर एक बंदा दौड़ दौड़ के आ रहा, मुझे लगा ये ऊपर जाएगा, मगर भाई इसने मुझे तो देख ही लिया था, तो आ गया एकदम अंदर। तो भाई यहाँ पर HP तो देखो मैं, तो मैंने जितना जल्दी हो सके मैं ऊपर जाने का कोशिश किया, मगर ये लिखो ये जंप ही नहीं कर पा रहा था, मतलब एकदम प्रॉपर जंप नहीं हो रहा था मुझसे। तो अभी मैं इस अपार्टमेंट में तो नहीं रुक सकता, मतलब इस स्क्वाड हाउस में तो नहीं रुक सकता, तो इसीलिए मैंने सामने वाला घर ले लिया। तो दरवाज़ा बंद किया मगर ये दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ, और मुझे हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर एक फ़र्स्ट एड मिला, तो फर्स्ट एड मैंने उठाया और बैंडेजेस भी मिले। उसके बाद मैं ऊपर गया, तो मुझे पता था कि ये बंदा ज़रूर आएगा इस घर के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सीढ़ियों में से खड़ा रहा, और बंदा जब भी ऊपर आया तब मैं निकल गया यहाँ से। उसके बाद फिर से स्क्वाड हाउस के अंदर, तो मुझे इस यहाँ पर एक अच्छी सी लोकेशन पता थी, तो वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं गया, उसके बाद दरवाज़ा लगा लिया और यहाँ पर खड़ा हो गया बस। तो अभी मैं यहाँ पर हीलिंग लगा रहा था, और मुझे लगा ये बंदा आएगा नीचे से, मगर इसको तो दिखा ही नहीं मैं कहाँ, उसको लगा मैं भाग गया, तो वो भी शायद जोन की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया। मैं कंफर्म करने के लिए रुका कि ये बंदा आसपास कैंपिंग तो नहीं कर रहा, तो अगर मैं निकलूँगा तो भून डालेगा मुझको। तो फिर से देखा कि जोन आ रहा है, तो भाई यहाँ पर थोड़ी देर तक देख ही लेता है जब तक जोन ना आ जाए। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये भाग गया, तो फिर से यहाँ से मैं भागने का ट्राई किया, मगर देखा कि वो सामने जा रहा है बंदा। तो मुझे लगा कि ये बंदा सामने से अगर यहाँ से मुझे मारने का ट्राई कर भी सकता है, तो उसने तो मुझे देखा ही नहीं गाइस, पीछे घूम कर ही नहीं देखा उसने, भाग सोचा कि मैं तो एक्सेलरेट बन कर भाग गया। तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप को डिफेंड किया यहाँ पर जैसे भी करके। तो और यहाँ पर मेरे साथ एक ख़राब चीज़ हुआ, तो आप देख ही सकते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर मैं जब भाग रहा था, इसके पीछे आ रहा था, तब देखा कि एक बंदा यहाँ पर है। तो बहुत मुश्किल से भाई इसके सामने ऐसे घूम रहा था, मुझे पता था कि मैं तो गया इस मैच में, तो मैं गया। तो इसने गन रखा और इसने बोला कि चलो टीम अप करते, मैं साउंड तो नहीं सुना सकता, तो इसने बोला लेट्स टीम अप। तो ये बंदा जो डरा रहा था ना मुझको भाई, ये देखो गन एक बार निकाल रहा है फिर अंदर रख रहा है, और मैं यहाँ पर इसके सामने ऐसे पीक जो डांस होता है ना, पीक डांस हम बोलते हैं इसको, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मगर हम लोग ऐसे से पीक डांस बोलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था मार दे, तो उसके बाद मुझे लगा नहीं भाई ये तो नहीं मारेगा भाई, इतनी देर तो मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो इसको मैंने किसी दिया। उसके बाद फिर से बैठा, मगर इस बार तुम मेरा दुश्मन हो, अच्छा नहीं था ये, बहुत बुरा बनता था। मार्वल स्पाइडर 56 खराब हो तुम, बहुत खराब।